हेलो एवरी वन गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू आर चैनल सो आज हम बात करने वाले हैं हाउ डू ऑर्गैनिजम्स रिप्रोड्यूस इसमें हम लोग बात कर रहे थे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की सो so, ए सेक्शुअल रिपोडक्शन की टाइप्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो हम तीन टाइप्स उसकी ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं और आज हम बाकी टाइप्स को कम्प्लीट करेंगे इस चैप्टर में और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवाटेजेस की भी बात करने वाले हैं कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेज और डिसएडवाटेजेस क्या होते हैं सो so, अगर किसी ने पहले की वीडियोज़ नहीं देखी सम हुआ न्यू टू दिस चैनल सो आई एम टेलिंग यू ये आपकी क्लास टेंथ का थर्ड चैप्टर हम लोग सेकेंड यूनिट से थर्ड चैप्टर हम कर रहे हैं हाउ डू ऑर्गैनिज्मी प्रोड्यूस इसके कुछ पार्ट्स हम कर चुके हैं एंड दिस इज़ द थर्ड पार्ट वी आर डूइंग एंड इफ यू वॉन्ट टू सी दोज वीडियोज़ आई एल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू कैन गो देर एंड वॉच दोज वीडियोज सो कमिंग बैक टू दिस वीडियो दिस इज़ द फोर्थ टाइप ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन विच इज़ which is shown in case of yeast and hydra so that is the name of the reproduction is budding kiski baat kar rahe hai budding ki so budding mein kya hota hai ki jo bhi parents ki ek body parent body jo hoti hai uske upar ek extension developed ho jati hai is tarah se ek chhota sa bud developed ho jata hai और वो bud क्या करते हैं धीरे धीरे वो complete organism में form हो जाता है और अपनी parent body से अपने आप को detach कर लेता है अलग कर लेता है ठीक है सो so, ये होता किसके केस में ये यीस्ट में देखने को मिलता है हाइड्रा के केस में देखने को मिलता है सो so, अगर हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया ठीक है सो ये आप सब लोग कर सकते हैं कि कोई भी कर सकता है इनफैक्ट तो इसमें आपने करना क्या इट्स वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट एक हंड्रेड एम एक बीकर लीजिए हंड्रेड एम पानी डाल लीजिए उसके अंदर उसके अंदर आप लोग टेन ग्राम ऑफ शुगर ऐड कर दीजिए शुगर ऐड कर देंगे हम टेन ग्राम उसको डिज़ोल्व कर लीजिए जब हमने उसको डिज़ोल्व कर लिया ये एक शुगर सॉल्यूशन बन गया इसमें से हमने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर 20 ml ऑफ़ शुगर सॉल्यूशन ले लिया कितना ml 20 ml तो इसके अंदर शुगर सॉल्यूशन आ गया इसमें हमने कुछ यीस्ट के ग्रेन्यूल्स ऐड कर दिए लाइक फ्यू यीस्ट ग्रेन्यूल्स वी हैव एडेड सो उसके बाद इसको कॉटन प्लग से हमने कवर कर दिया इसकी टेस्ट ट्यूब के माउथ को और इसको हम लोगों ने इस इस टेस्ट ट्यूब को वन से टू आवर्स के लिए हमने एक वार्म प्लेस में अनडिसटर्ब छोड़ दिया एक से दो घंटे के लिए हमने वार्म प्लेस में रख दिया तो हम लोगों ने क्या देखा जब हम इसमें से आफ्टर वन टू टू आवर्स हमने क्या किया हमने इसमें से एक आ, कुछ ड्रॉपर की हेल्प से यीस्ट निकाला और एक टेस्ट एक जो हमने एक हमने आ, स्लाइड ली स्लाइड के ऊपर उसके ऊपर हमने एक या दो ड्रॉप्स टेस्ट जो टेस्ट ट्यूब से ये सॉल्यूशन निकाला तो उस पर रख दिए उसके ऊपर हमने कवर स्लिप से कवर कर दिया तो so ये अगर आप बायोलॉजिकल लैब में देखेंगे तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ें होती हैं टेस्ट ट्यूब होती है स्लाइड होती है स्लाइड uh, पे हम लोग ड्रॉपर की हेल्प से सॉल्यूशन रख के उसको बहुत हल्के से कवर स्लिप से कवर कर देते हैं ताकि वो uh, अच्छे से सेटल डाउन हो जाए हिले ना और जब हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकें प्रॉपरली तो हमने इसको जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो हमने क्या पाया हमने इस तरह का कुछ देखा जिसको हमने पिक्चर की फॉर्म में see, जो एक ये था, ये इसकी जो बाहर की बॉडी में एक नया बर्ड डेवलप्ड हो गया नया बर्ड डेवलप हुआ और उसे चलते चलते बहुत सारे बर्ड्स उसके ऊपर बन गए चेन ऑफ बर्ड्स फॉर्म हो गई सो so जब ये चेन ऑफ बर्ड्स फॉर्म हो गई तो ये धीरे धीरे पेरेंट बॉडी से डिटैच होने लग गए और ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की इन्होंने फॉर्मेशन ले ली सो so, तो तरह से आप लोग बर्डिंग को चेक भी कर सकते हैं विद एक्सपेरिमेंट ओके सो दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन विच इज शोन इन केस ऑफ यीस्ट अब हम एग्जाम्पल हम कर लेते हैं हाइड्रा की हाइड्रा में किस तरह से होता है इस तरह से ये हाइड्रा है पेरेंट हाइड्रा है यहाँ पे बर्ड डेवलप्ड हुआ ये देखिए ये पेरेंट है ये इस तरह से यहाँ पे एक बर्ड डेवलप्ड हुआ यू कैन सी इन दिस पिक्चर ये एक आउट ग्रोथ की फॉर्म में डेवलप्ड हुआ क्योंकि यहाँ पे सेल डिविजन रिपीट रिपीटेड तरह से सेल डिविजन हो रही थी अब ये ये आउट ग्रोथ पे एज इट इज जो पेरेंट है उसी की तरह का यहाँ देखिए बर्ड से डेवलप्ड स्ट्रक्चर डेवलप्ड होना शुरू हो गया सो so, ये डेवलपिंग बर्ड बन गया अब यहाँ से क्या हुआ ये जो बर्ड बना था ये कंप्लीट स्ट्रक्चर इसने पेरेंट बॉडी की तरह अपने आप को बना लिया अब ये यहाँ से कट जाएगा ये डिटैच हो जाएगा यहाँ से अब ये पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअली हो गया ठीक है सो पहले बड टाइनी इंडिविजुअल्स की तरह डेवलप्ड होते हैं जब वो फुली मेच्योर हो जाते हैं तो वो पेरेंट बॉडी से अपने आप को अलग करके एक कंप्लीट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेते हैं सो दिस इज द बर्डिंग नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट की पोटैटो बर्ड्स जो होते हैं वो भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन शो करते हैं सो पोटैटो बर्ड्स कैसे आपने देखा होगा कुछ पोटैटोज आपके घर में पड़े होते हैं समटाइम्स काफी देर तक पड़े रह जाते हैं तो इस तरह से एक वाइट सा स्ट्रक्चर उनके ऊपर डेवलप हो जाता है सो so, आपको पता है ये क्या होता है ये नॉच होती है ये इसके नॉच या कह सकते हैं आप बर्ड होता है तो अगर आप इसको ग्रो करेंगे ना तो नया आलू अपने आप डेवलप्ड हो जाएगा सो so, ये भी एक्सपेरिमेंट आप लोग करके देख सकते हैं ये क्या किया गया कैसे करना है इसको बेसिकली आप एक पोटैटो लीजिए ठीक है और उसको स्मॉल पीसेस में कट कर लीजिए कुछ पीस ऐसे होने चाहिए ठीक है जिसके अंदर ये नौ चार हो और कुछ में जिसमें ये कुछ भी ना हो ठीक है ये बर्ड ना हो अब हम क्या करेंगे एक ट्रे लेंगे उसमें बहुत सारी कॉटन हमने नीचे कॉटन प्लग लगा दिया ठीक है कॉटन बेडिंग कर दी बेसिकली उसको गीला कर दिया उसके ऊपर हमने आलू को प्लेस कर दिया जिसमें बर्ड्स थे ठीक है तो वहाँ पे हमने क्या पाया हमने क्या देखा कि उस पोटैटो जो पीसेस थे नेक्स्ट फ्यू डेज तक उसको ऑब्जर्व किया गया और कॉटन जो थी नीचे जो कॉटन रखी हुई थी उसको थोड़ा थोड़ा देके के हम पानी देते रहे कि वो गीली रहे मॉइस्चर रहे तो आफ्टर फ्यू डेज व्हाट वी ऑब्जर्व कि हमने पाया जिन पोटैटोज में बर्ड्स थे है ना उन्होंने क्या किया उन्होंने फ्रेश शूट्स और फ्रेश रूट्स छोटी छोटी सी उनकी निकलनी शुरू हो गई सो दैट शोज की वो नया प्लांट बनने की स्टार्टिंग uh, उन्होंने स्टार्ट कर दी सो दिस इज़ द केस इन पोटैटो ट्यूबर्स वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन बी सीन सिमिलरली एक ब्रायोफाइलम के केस में इस तरह से ये एक लीफ है यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे बर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं नोचेज हैं ये नॉच है, यहाँ से बर्ड्स प्रोड्यूस्ड हुए अलॉन्ग द लीफ मार्जिन जब वे सॉयल पे गिरते हैं तो ये कंप्लीट प्लांट खुदी, खुद ही खुद ब खुद फॉर्म कर देते हैं so, इस तरह से वेजिटेटिव जो है, वो हमारी ब्रायोफाइलम में भी देखने को मिलती है, ठीक है मनी प्लांट तो सबने देखा होगा सबके घरों में भी होता है बिकॉज इट इज वेरी ईजी टू ग्रो स्टेम की कटिंग से बहुत जल्दी लग जाता है तो इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी कोई आपने मनी प्लांट उगाना है तो आप एक ऐसा प्लांट ले लीजिए उसकी स्टेम को इस तरह से काटिए कि एटलीस्ट एक सिंगल ग्रीन लीफ तो उसके पास होना ही चाहिए ताकि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो और खाना मिल सके प्लांट को ठीक है तो एक सेक इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया मनी प्लांट लिया उसके कुछ पीसेस में कट कर दिया गया तो एक पीस ऐसा होना चाहिए जिसमें एटलीस्ट वन लीफ हो वन ग्रीन लीफ हो ठीक है और कुछ पोर्संस कट सम कट आउट सम अदर पोर्शन जो दो लीव्स के बीच का ये वाला ये भी आप ले सकते हैं ठीक है इन दोनों को कंपेयर करके एक्सपेरिमेंट किया गया एक एंड को पानी में रख दिया गया दोनों के ठीक है एक हमने ये वाला पार्ट फर्स्ट पार्ट हमने ये ले लिया जिसमें कोई भी लीफ नहीं है सेकंड पार्ट हमने इस तरह से कटिंग की कि एक सिंगल लीफ आ गया ठीक है इन दोनों को पानी में डिप करके कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया गया तो जिसके पास सिंगल लीफ था है ना वो तो पूरा का पूरा नया प्लांट बन गया जो जिसके पास लीफ नहीं था सिर्फ स्टेम स्टेम थी वो मर गया ठीक है दैट डाइज सो दैट शोज कि मनी प्लांट की भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थ्रू स्टेम कटिंग पॉसिबल है ओके सो दिस इज क्लियर सो ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स एनसीआर में दे रखे सो आई है ट्राई टू मैंशन इट और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है एक ये टिश्यू कल्चर uh, टिशू कल्चर टिश्यू कल्चर इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट इसमें वन मार्क्स या टू मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है टिश्यू कल्चर होता क्या है वॉट इज़ टिश्यू कल्चर टिश्यू कल्चर का मीनिंग है कि आर्टिफिशियल मीडियम में ठीक है कोई भी प्लांट से एक प्लांट है उसमें से हमने कुछ ग्रोइंग टिश्यूज़ और सेल्स को निकाला और उसको ग्रो किया अंडर आर्टिफिशियल मीडियम जैसे कि हमने क्या किया इसमें हमने नए प्लांट्स को ग्रो करना है तो हमने कुछ टिश्यूज़ या सेल्स को सेपरेट किया प्लांट जो प्लांट था है, उसकी उसका जो ग्रोइंग पार्ट था ना एक प्लांट है उसका ग्रोइंग टिप लिया उसका जो ग्रोइंग टिप होता है उसके अंदर से हमने कुछ टिश्यूज़ और सेल्स को रिमूव कर लिया ठीक है उसको हमने एक आर्टिफिशियल मीडियम में प्लेस कर दिया इस तरह से आर्टिफिशियल मीडियम हॉर्मोन्स हो सकते हैं जैसे कि ऑक्सीजन वगैरह होते हैं जिससे ग्रोथ हो जाती है प्लांट्स की फटाफट से और उसमें वो डिफ्रेंशिएट भी कर जाते हैं सेल डिविजन बहुत जल्दी हो जाती है तो क्या हुआ कैलस क्या होता है कैलस इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स सो उसमें हमने सेल्स को प्लेस कर दिया जहाँ पे वो सेल्स ग्रो कर करके कर ग्रुप बन गया सेल्स का जिसे हम लोग कैलस बोलते हैं फिर उसको हमने एक अलग मीडियम में अलग मीडियम में डाल दिया अलग मीडियम में डाल दिया ताकि उसकी ग्रोथ हो जाए और डिफ्रेंसी हो जाए फिर उसकी ऐसे छोटे छोटे से प्लांटलेट्स आ गए इस तरह से कैन यू सी ये तो हमने थर्ड तो मीडियम चेंज कर दिया इसमें अब क्या हुआ इसकी प्लांटलेट्स आ गए अब इसकी प्लांटलेट्स आ गए तो हमने इसको क्या किया इस तरह से धीरे धीरे ये ग्रो होता होता हमने इसको पॉट में शिफ्ट कर दिया पॉट में शिफ्ट करके ये एक धीरे धीरे क्या बन जाएगा मैच्योर प्लांट की फॉर्म ले लेगा सो टिश्यू कल्चर एक बहुत ऐसे अच्छा प्रोसेस है बिकॉज इसकी क्या दो एडवांटेजेस है इसकी दो एडवांटेजेस ये हैं कि ये एक तो सिंगल पेरेंट से प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं वो भी एक डिज़ीज़ फ्री कंडीशन में दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डिजीज़ फ्री कंडीशन में आप बहुत सारे प्लांट सिंगल पेरेंट से ग्रो करवा सकते हैं और ये बेसिकली यूज़ किस चीज़ के लिए होती है टेक्निक दिस इज़ यूज फॉर द ऑर्नामेंटल प्लांट्स सो so, अगर आपको टिश्यू कल्चर एग्जाम में आ रहा है सो तो आपको इस उसको किस तरह से नोट डाउन करेंगे इसमें क्या होता है कि हमने प्लांट में से ग्रोइंग टिश्यू और सेल्स निकाल के एक आर्टिफिशियल मीडियम में उसको ग्रो करना प्लांट को दैट इज दिस मैथड इज़ कॉल्ड एज टिश्यू कल्चर इसमें से किया कैसे जाता है इसमें से हमने एक सेल्स सिंगल सेल निकाला या ग्रुप सेल्स निकाले उसको हमने एक मीडियम में आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करने दिया वो सेल्स से क्या बन गया पहली चीज़ वो कैलस बन जाएगा ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाएगा फिर उसको डिफरेंट मीडियम में ग्रो करने के लिए छोड़ दिया जो कि हॉर्मोन्स थे जिसमें फिर उसको हमने क्या किया उसमें हमने छोड़ने के बाद उसमें हमने ऑब्जर्व किया कि धीरे धीरे प्लांटलेट्स आ गए धीरे धीरे इस तरह से पहले ये छोटे हुए फिर ये इसकी प्रॉपर ऊपर शूट बन गई नीचे रूट्स बनने लग गई इस तरह से देख रहे हैं फिर इसको हमने सॉयल में पॉट में ग्रो करने के लिए छोड़ दिया और ये मेचोर प्लांट में ग्रो हो गए सो दिस इज़ द टिश्यू कल्चर कैसे ग्रो होता है उसके बाद इसकी दो एडवांटेजेस हैं जो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि एक डिजीज़ फ्री कंडीशन में हम लोग एक पेरेंट से बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं और ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए ये टेक्निक कॉमनली यूज होती है सो दिस इज़ अबाउट द टिश्यू कल्चर आई होप दिस इज़ क्लियर विद यू इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन मैसेज मी इन द यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स ओके अब हम सिक्स टाइप ऑफ आर्टिफ ए सेक्शन रिपोर्डक्शन की बात करने वाले हैं सो दैट इज स्पोर फॉर्मेशन अच्छा स्पोर फॉर्मेशन किसने होती है spore आप सबके घर में ब्रेड तो आप लोगों ने देखी होगी कि कभी आपने देखा है कि ब्रेड अगर एक ब्रेड खराब हो जाती है कई बार होता है ना बहुत देर हो गई पड़ी है खाई नहीं सो so, ब्रेड में क्या होता है क्या क्या बोलते हैं मोल्ड लग गया ब्रेड मोल्ड लग गया तो वो क्या होता है ब्रेड मोल्ड क्या होता है दैट इज राइजोपस क्या होता है राइजोपस तो एक वाइट ब्रेड का स्लाइस लिया वो डार्क प्लेस में आपने रखा उसको एक वीक तक ऑब्जर्व किया तो उसमें क्या देखा आपने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे इस तरह से कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं ऐसे ठीक है तो ये हाइफी होते हैं दिस इज कॉल्ड हाइफी ऑफ द राइजोपस तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है उसका नाम क्या है ब्लॉब स्ट्रिक स्ट्रक्चर दैट इज ब्लॉब स्ट्रिक स्ट्रक्चर तो ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है ये ब्लॉब्स जो होते हैं ना ये ब्लॉब्स जो होते हैं दीज ज्यादा दसपोरेंशियम होते हैं जो कि नए राइजोपस इंडिविजुअल में ग्रो कर जाते हैं तो ये स्पोर्स जो होते हैं थिक वॉल से कवर्ड होते हैं ठीक है जो कि अगर सरफेस में रखेंगे तो बिगिन कर जाते हैं ग्रो करना सो so बेसिकली स्पोर फॉर्मेशन किस में देखी जाती है ब्रेड में अगर एक ब्रेड का पीस खराब होता है ना तो आप देखेंगे धीरे धीरे सारी ब्रेड ही खराब हो जाती है क्योंकि स्पोर्स जो हैं वो बहुत जल्दी फैलते हैं ये ग्रुप ऑफ स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं स्पोरेंजियम में जब ये बाहर निकलते हैं तो ये बहुत जल्दी दूसरे को भी खराब कर देते हैं ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर जाते हैं सो दिस इज अबाउट द स्पोर फॉर्मेशन अब हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन सो टाइप्स हमने ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की पढ़ ली इसमें हम एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं एडवांटेजेस क्या हो गए सिंगल पेरेंट काम कर रहा है नई प्रोजनी को प्रोड्यूस करने में मेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है ठीक है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस बहुत फास्ट है दी दैट इज़ नॉट टाइम कंज्यूमिंग कि बहुत सारा बहुत सारे मंथ्स या बहुत सारे लाइक uh, वीक्स like लग जाते ऐसा नहीं होता इट्स वेरी फास्ट प्रोसेस रैपिड है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स बहुत कम टाइम में प्रोड्यूस हो जाते हैं सो दिस इज़ द थर्ड एडवांटेज और जेनेटिक इन्फ्लुएंस पास होता रहता है पॉजिटिव जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस मतलब जिस तरह से पेरेंट्स है सेम ही उनकी जनरेशन्स रहेंगी जैसे अगर पेरेंट सेल जैसा है पेरेंट ऑर्गेनिज्म कैसा है वैसे ही डॉटर ऑर्गेनिजम्स भी रहेंगे कोई चेंज नहीं सिमिलर ऑल क्लोन्स और ये वेरियस एनवायरमेंट्स में होता है सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस इन केस ऑफ द ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बट अगर एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं सोचिए डिसएडवांटेजेस क्या होंगे डिसएडवांटेजेस क्या होंगे डिसएडवांटेजेस ये होंगे कि ऑफिस जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं पेरेंट से अगर पेरेंट्स को कोई डिजीज़ होने का खतरा था अगर आप प्लांट की बात कर लें अगर उसके पेरेंट ऑर्गेनिज्म को कोई डिजीज़ होने का खतरा था तो एज इट इज़ जेनेटिक्स एज इट इज़ डीएनए ट्रांसफ़र हो गया आगे तो उसमें क्या होगा कि जो डॉटर सेल्स या डॉटर प्लांट्स होंगे जो है ना वो भी सेम उनमें भी सेम डिजीज़ या सेम न्यूट्रियट्स की डिफिशंसिस होने का मतलब होने का चांस क्या होगा ही सो दिस इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेज लैक ऑफ डाइवर्सिटी दिस इज़ द डिसडवाटेज सो सारी की सारी नेगेटिव म्यूटेशन भी जो हैं वो भी लॉन्ग टर्म जनरेशन्स तक परसिस्ट करती हैं हमेशा रहेंगी ठीक है एक ही ऑर्गेनिजम काम कर रहा है इसलिए डाइवर्सिटी नहीं आएगी जैसे हम बात करें लैक ऑफ डाइवर्सिटी की कोई भी वेरिएशन देखने में नहीं मिलेगी है ना तो वो अडेप्ट नहीं कर पाएंगे एन्वायरमेंट में जैसे अगर कोई भी प्लांट है कोई भी प्लांट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ग्रो कर रहा है तो अगर उसकी कोई भी उसकी फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं अगर उसमें वो ग्रो कर रहा है अगर ज़रा सा भी एनवायरमेंटल कंडीशंस में चेंज आया सपोज गर्म अगर गर्मी में ग्रो अगर ठंड में ग्रो कर रहा है थोड़ी सी भी टेम टेम्परेट से ट्रॉपिकल की तरफ ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर चेंज आ गया कुछ हुआ तो वो पूरी की पूरी स्पीशीज़ ही एलिमिनेट कर जाएगी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि वो सर्वाइव ही नहीं कर सकती उसने अपने आप को अडेप्ट नहीं किया उसमें कोई वेरिएशन नहीं है ठीक है सो दीज़ आर समेज जो बेसिक ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के केस में देखने को मिलते हैं सो आई होप दिस इज़ ऑल क्लियर विद यू विद दिस हमने ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है अब हम नेक्स्ट वीडियो में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे सो टिल देन आप इन तीनों वीडियोज़ को देख सकते हैं एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी एंड आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल योर डाउट्स थैंक यू सो मच एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फोर गेट टू प्रेस द लाइक बर्थन Thank you so much. Take care. Bye bye. Have a nice day.